हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमेशा ही अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में छाई रहने वाली कंगना का यूं तो विवादों से बड़ा ही गहरा नाता है, लेकिन हाल ही में कंगना मीडिया से विवाद के चलते काफी छाई हुई हैं। कुछ दिनों पहले ही जजमेंटल है क्या के सॉन्ग लॉन्च के दौरान कंगना की एक जर्नलिस्ट से काफी बहस हो गई थी। कंगना ने उस जर्नलिस्ट पर उनके बारे में गलत खबर छापने के आरोप भी लगाए, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि कंगना को बैन करने तक की बात उठने लगी। वहीं अब कंगना ने दोबारा अपनी फिल्म जजमेंटल है क्या का प्रमोशन करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उन्होंने फिल्म के अलावा राजनीति पर भी अपना पक्ष रखा है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान कंगना ने फ्यूचर में राजनीति ज्वाइन करने से जुड़े सवालों पर भी जवाब दिया। कंगना ने एक लीडिंग वेबसाइट के साथ हुई खास बातचीत में कहा कि मैं बीजेपी क्या किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकती। मैं जिस तरह के बयान देती हूँ, मेरा राजनीति में कुछ हो ही नहीं सकता। वहीं कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हुए कहा कि उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। वो जिस तरह से अपना काम करते हैं, मुझे भी सीख मिली है कि मैं अपना काम करूं बिना आलोचना से डरे। हालांकि मैं अपनी तुलना उनसे नहीं कर सकती। मोदी जी बहुत मंझे हुए हैं और मैं एकदम रॉ हूँ, देहाती। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ भी ऐसा है जिससे मेरी उनकी कोई तुलना हो सके। वैसे भी मैं पार्टी में बंद कर काम नहीं कर सकती हूँ, वो मुझे अस्वीकार कर देंगे। तो देखा आपने, कंगना ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो राजनीति में कदम नहीं रखेंगी। बात करें उनके प्रोफेशनल फ्रंट की, तो वो फिल्म जजमेंटल है क्या के अलावा पंगा और धाकड़ जैसी फिल्मों के जरिए भी बॉलीवुड में धूम मचाने वाली हैं। वैसे आप कंगना की बातों से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।